तो ये तो वहां जहाँ मम्मी शादी में गए थे उन्होंने दे रखी है। मेरा मार्क्स नहीं आते, ये देखो हैं पेपर। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ मेरे आते न्यू ब्लॉग में। तो गाइस ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है आज 8:30 बजे से। 8:30 बज चुका है, बच्चे हो गए हैं स्कूल के लिए। हाँ 5 मिनट है, बच्चे हो गए हैं स्कूल के लिए रेडी। यहाँ पर है देव और यहाँ पर साहिल, और देव आ गया है नानी के घर से अभी थोड़ी देर पहले ही आया। स्कूल हुआ तो फटाफट आ गया है, और नानी भी आ चुकी है देहरादून से। मम्मी आ गए हैं देहरादून, शादी अटेंड करके सुबह ही पहुँचे हैं आज सुबह। बच्चे भी चले गए हैं, मोहित आया लेने साहिल को, देव को। ये देव भी जाने लग गए, बाय। अच्छा गर्मी हो रही थी तो बच्चे भी चले गए स्कूल। अब फटाफट कर लेते हैं अपना काम शुरू। आज के न हो रही काम, झाड़ू पोछ के न हो रही। कल खटीमा जाने करके फटाफट किया काम, आज ऐसे हुआ है ढीला ढाला, तो फटाफट करते हैं काम। आपसे मिलते हैं काम करने के बाद। तो गाइस अंदर का काम तो हो गया, झाड़ू पोछे का काम। अब मैं आ गई हूँ छत में। मैंने कहा छत में ज़रा कंठे, बारिश आई तब से पूरे कंठे रैली के इतने ख़राब हो गए ना, तो कल तो हम वहीं चले गए थे खटीमा, तो ये ऐसे रह गए। तो आज कर लेती हूँ कंठों का काम सारा। मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, कभी धूप कभी छाया, ये देखिए आज ऊँची बरखा। तो ये देखिए कंठे पूरे रैली के ऐसे हो गए, पूरे चिपक गए हैं। ये पल्ली में डालते थे हम इधर पे कंठे, ये तो सूख के पलटाए थे। यहाँ देखिए ये पूरे चिपक गए हैं ये। अब इसको निकाल के पूरा ये पूरा खाली करती हूँ, पल्ली पूरी हटाती, नहीं तो छत हो जाएगा ख़राब। रैली गए ना कंठे बारिश के, उससे ये सब सुबह ही कपड़े भी धोती हैं, ये सारा पानी इसी में जा रहा है। तो ये सारे हटाती हूँ आज, कंठे पूरे इस छत से उठा के यहाँ पे डालती हूँ इस छत में, क्योंकि ये पूरा यहाँ झाड़ने के लिए होगा, नहीं तो छत होगा ख़राब। कंठे भी थोड़े सूखेंगे उधर से हटा के, अभी तो धूप आ गई, कभी छाया कभी धूप, ऐसा हो रहा है ना मौसम। तो फाइनली मेरा हो गया है कंठों का काम। देखिए किनारे मैंने वहाँ पे लगा दिए हैं जो थोड़े थोड़े सूखे हैं वो कंठे, और सारा छत पूरा ये साफ़ कर दिया है। इतनी सीलन आई थी छत में, ये देखिए पूरा गीला हो रखा है, साँका भी लग गया काम करते हुए। और थोड़े कंठे यहाँ पर रख दिए, थोड़े इस किनारे में। अब छत ख़राब होने का उतना डर नहीं हुआ ना, बारिश के पानी से ऐसा हो गया था ना यहाँ पे थोड़ी इधर। तो चलते हैं हम नीचे, काम तो हो गया है कम्प्लीट। और मम्मी का काटा रहा है मेड़ में से घास, ये एक बुलाया पे बात दिया है, उधर पे काट रहे हैं परात के वहाँ पर, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। तो मैं कर लेती हूँ अब जानवरों को नहला धुला, पानी देती हूँ, जानवरों का काम कर लेती हूँ अब जानवरों का काम। और बजने वाला है 11, फिर बनाते हैं खाना पीना। खाना पीना बनाने का ही टाइम हो गया, फिर है हमारे समूह की मीटिंग आज दिन भर, आज काम ही हो रहा है। तो फटाफट करते हैं काम, अब सीधे मिलते हैं आपसे समूह की मीटिंग में। खाना भी बन चुका है, इसमें बनाया है भात और इसमें बना रखा है दाल। आज बनाई है मांस की और चने की मिक्स करके दाल बना रखी है, तो खा लेते हैं खाना। मैं आ गई हूँ बाहर धूप में बैठ के खाने के लिए। ये देखिए धूप, कभी छाया कभी धूप, ऐसा हो रहा है मौसम। ये बढ़िया सी धूप में दाल भात खाते हैं, आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। मैं जाने लग गई हूँ अब मीटिंग में, हो गया हमारे मीटिंग का टाइम, 1 बज गया है। और यहाँ देखिए गाइस दीदी के पूरे गेहूँ गिर के ऐसे हो गए ना ये बारिश के, उससे सारे इतना नुकसान हो गया फसल में। ये इतने गेहूँ पूरे गिर चुके हैं, ये इस बार तो मौसम ने ऐसा कर दिया है ना, बहुत ही ज़्यादा फसल में नुकसान। ये बारिश अब चाहिए, नहीं तो अब आती है बारिश। बारिश और हवाओं ने तो खेती में बहुत ही ज़्यादा कर दिया है नुकसान, पूरे गिर गए हैं, गेहूँ ढल चुके हैं, अभी हरे ही है ना, अब नहीं चाहिए खेती होने के टाइम, तो अब हो रही है ऐसी है, क्या करें, ये मौसम का आजकल मौसम चल रहा है ख़राब। तो गाइस सभी लोग आ गए हैं मीटिंग में, ये और ये वाला फॉर्म ये देखे जो हम कल फॉर्म लाए थे वो फॉर्म भी यहीं पे भरने भी लग गए हैं। ये देखिए दीदी लगाने लग गई अटेंडेंस, जाओगे मेरे को भी फोन करना, सुबह फोन करा दो, बोली थी 8 टाइम नहीं होगा। मानो तो बैठ गई नानी के साथ ना, मानो हाय हाय कह दे, हाय नानी के साथ बैठी है।
आजा आजा, हमने भी नहीं भरा है। हेलो हेलो, कैसे हो? कैसे हो? मेरे यहाँ पर लग गई, बोल बोत में लग गई, मेरे भमो इसी बोल। जानवरों का काम भी हो गया कंप्लीट, हाथ पाथ लगा के जानवरों का काम भी हो गया है, चाय पानी भी हो गई है। अब हम जा रहे हैं, साहिल और मैं जा रहे हैं गुरुद्वारे, क्योंकि साहिल के बाल हो गए हैं बड़े, बाल कटाने जा रहे हैं नाई के पास। फिर इसका हो रहा है ट्यूशन का टाइम, तो फटाफट जाते हैं साइकिल में। अभी हो रहा है 3:30-4 बजे से है ट्यूशन, और साहिल तो रोड में साइकिल चलाने भी लग गया है। ये पहले अपने पापा के साथ ही जाता था, ये अब आज मुझको जाना हो रहा है साइकिल में। बैठो, गिराएगा, चल जाते हैं फटाफट। फिर हो रहा है ट्यूशन का टाइम, 4 बजे से है ट्यूशन, 3:30 बज चुका है, चल उतर चल। तो गाइस हमको रास्ते मिल गए हैं, देखो यात्रा वाले वो पीछे भी आ रहे हैं, देखो मंदिर जा रहे हैं। बाल कटा के भी आ गए हम, ये देखिए इसकी हेयर कट कैसी लग रही है, टूट गया और है, बाल पूरे मुंह पे लगे हैं। और हमारा तो प्रॉपर्टी हो गया, गुरुद्वारे में गए वहाँ तो हो गई दुकान बंद, अब बंद हो गई बोल रहे हैं, तो हमने कटाए यहाँ पर। देख इधर को, तो देख मैदा मिल में कटवाए, अब यहाँ से हम कहीं जा रहे हैं। चल बैठ जा फिर, हमको कहीं जाना पड़ रहा है, यहाँ से अब घर नहीं जा रहे हम, कहीं और जा रहे हैं। देखो कहाँ जाते हैं आपको अभी दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मायके, मायके पहुंच गई मैं, अब वहाँ आए थे मैदा मिल में, फिर मम्मी का फ़ोन आ गया, मम्मी आ गई है देहरादून से, तो बोल रहे थे मिलने के लिए नहीं आ रही है, तो वहाँ से अब पास मायके होने का फ़ायदा, तो हम आ गए, चीज़ खाने लग गया। और यहाँ पर देखिए हल्दी, ये मम्मी ने हल्दी बोई थी, तो ये सुखा रख के दिखाती हूँ, ये हल्दी बोई थी, घर की हल्दी है ये काट के इसको ऑर्गेनिक हल्दी सुखा रखा है, फिर इसको चक्की में पीसेंगे तो इसका बन जाएगा पाउडर, इसको साइकिल चलाने की। अब चलते हैं, आपको मिलवाती हूँ मम्मी से। ये चाय बन गई है मम्मी की, ये कहाँ का तुझे लाया? मैं लाई है भट्टे से जलेबी सरप्राइज। मम्मी की चाय भी बन गई है, तो पी लेते हैं चाय। देहरादून घूम के आ गए हैं मम्मी, दो दिन हाँ, और सर्दी जुकाम मचाई भी हो गई। अरे गाड़ी की मचाई से तो परेशान हो गए। हाँ घूमे क्या, 2 ही दिन तो रहे आ गए, शादी में गए। हाँ तभी तो शादी में घूम के आए मम्मी देहरादून, देवर की लड़की की शादी हो गई, जाने पड़ते हैं। हाँ तूने, चाय पी लेते हैं, फिर ठंडी हो रही है चाय, फिर घर को जाते हैं फटाफट ना। और आप भी खाइए गर्मा गर्म जलेगी, जलेबी जलेगी गर्मा गर्म, मेरी फेवरेट। नहीं गर्म तो नहीं है, ठंडी हो गई है अब, है। मम्मी दिखाने लग गई है देहरादून की शॉपिंग, गाइस देखो क्या क्या लाए हैं देहरादून से। मैं गई थी ना वहाँ बाजार, थोड़ा यहाँ की शॉपिंग कर लेती हूँ। देहरादून की साड़ी कैसी होती है ना? ये तो शादी में मिली मेरे को। अच्छा ये शादी में उन्होंने दी, लड़की की थी शायद शादी, तो लोग देते हैं लड़की की शादी में भी देते हैं। अरे लड़की में भी देते हैं लोग। अच्छा वहाँ उनका रिवाज होगा ना, करते हैं वहाँ तो करते ही हैं। अच्छा ये दो साड़ी लाए आप? हाँ ये शॉपिंग की है। अच्छा ये एक मैक्सी लेके आई है। अरे एक मैक्सी भी लाई, नहीं बोला देते जी कॉटन, कैसी तो होती है करके, वहाँ का कपड़ा कैसा होता है ना, कॉटन में आती है, नहीं तो मैक्सी तो यहाँ मिलती थी, वहाँ का देखो कैसा निकलता है करके। ऐसे गई थी मैं वहाँ बाजार। अरे तो ये तो वहाँ जहाँ मम्मी शादी में गए थे उन्होंने दे रखी है, बहुत अच्छा कपड़ा लग रहा है इसका भी। तो ये है एक साड़ी, ये देखिए अच्छी लग रही है ये, और ये वाली तो बहुत अच्छी लग रही है, इसका है ब्लू, ये कुछ अलग। हाँ और ये वाली गाइस ये मम्मी मेरे लिए ये लाई है स्वेटर गर्मा पहनने के लिए डेली यूज के लिए, देखिए कैसी लग रही है, कमेंट में बताइएगा कैसी लग रही है। और ये बच्चों के लिए टी शर्ट, पता नहीं नाप जैसी होती है, मैं तो अंदाज़ से लेके आई, अंदाज़ से लाया मम्मी, ठीक ही है लेकिन नाप तो ये। और ये देव के लिए अभी शिवरात्रि में पहनेगा ये, बोले बाबा बोले शिवरात्रि आई रही है उसमें पहनेगा, ये देखिए कैसे तो बनते हैं फिर, बताइएगा। और मम्मी की साड़ी भी कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई है, आप लोग को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम जाते हैं घर को, आप घर को आपसे मिलते हैं सीधे घर पहुंचने के बाद।
बहुत देर हो गई है, गिर भी गई नीचे, सीधे लुढ़क गई है, भी थक गई मेरे जैसे। सहल तो उतर गया रास्ते में ही, क्योंकि वहाँ सब खेल रहे हैं फुटबॉल, तो बोल रहा था अब थोड़ी देर ही टाइम है, रात होने वाली है तो खेलता हूँ करके। और मम्मी चले गए हैं वॉकिंग, रास्ते में मिल गए मुझे सासू माले कुमरिया, तू देर तक बाल काटने में तू देर लागी। फिर मैंने कहा मैं तो मायके पहुँच गई, पास मायके होने का फ़ायदा। अब मम्मी देहरादून गई थी, तब बोल रहे थे आज अब मिलने के लिए नहीं आ रही है, और कुशैला भी लाई हूँ देहरादून से तेरे लिए कह रहे थे, तो मैंने कहा चलो जाती हूँ फिर मिल के भी आती हूँ तभी। और कुशैला खा के भी आई, तो मम्मी ने तो जानवरों को गोठ में भी बांध दिया है, अब गोबर ओबर झाड़ना है, झाड़ती हूँ, घा दलना है, बच्चे तो खेले हैं क्रिकेट वो फुटबॉल, ये तो घाले दलन छो का तो काम छो, तो फटाफट करती हूँ गोबर झाड़ झूट के बनाती हूँ, बच्चे आएंगे फिर दलेंगे घास। पर बच्चों की चल रही है पेपर की तैयारी, साहिल यहाँ पर पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते ही यहाँ बैग बोलते हैं ना, बोलते हैं ना मार्क्स नहीं आते, ये देखो हैं पेपर, देव भी पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते पता नहीं क्या याद आई है देव को, देखते हैं क्या दिखा रहा है ये पेपर आज, टेस्ट। अच्छा देखते हैं फिर कौन सा टेस्ट बोल रहा है, ये है इसका एक्टिव बायोलॉजी, इसमें आए हैं 20 में से 15, 5 मार्क्स कहाँ गए, खा गए। ये है एल्गा का, इसमें 16 में से 15, चलो इसमें तो ठीक है, है वो। एक्टिव फिजिक, अच्छा सॉरी, ये क्या है, अनसीन पैसेज 10 और मुझे भी पता है, मैथ में तो परफेक्ट है और सब्जेक्ट में भी लाओ ना, नौ। देव का देख के साहिल को भी याद आ गई है कि मैं भी अपना का दिखाऊं क्यों, हैं? तो टॉपर है सबको पता है, इसको दादा का दिखाया करके अपना साहिल भी दिखाने लग गया अपना, वेरी गुड गाइस, और दिखाना है, मम्मी दिखाई नहीं रही है ये, हाँ, देव ने दिखाया करके ना, गुड। तो बच्चों की पढ़ाई भी हो गई कम्प्लीट, यहाँ पर बैठ गया देव और यहाँ पर साहिल तो शीशे में पता नहीं क्या देख रहा है यहाँ पे ये। तो आप को देव ने आज अपने मार्क्स दिखा दिए, बोला था कि मेरे मार्क्स दिखाते नहीं, आजकल मैं अच्छे मार्क्स ला रहा हूँ, मौसी भी बोलती रहती है अच्छे मार्क्स नहीं लाता है, तो अच्छे कमेंट नहीं करता, कमेंट नहीं करता। करना मौसी, दोनों मौसी देव की, देव बोल रहा है कि मौसी बोलते रहते हैं पढ़ाई नहीं करता है, तो कमेंट जरूर करना, और यूट्यूब फैमिली आप लोग भी कमेंट करना देव के लिए, देव बोल रहा है। तो खाना पीना भी हमारा हो गया है, बच्चों की पढ़ाई भी हो गई है कंप्लीट। अब आज की वीडियो को इतना ही रखती हूँ, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट और शेयर, और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।